मणिपुर में जिस तरह से हिंसा भड़की है, वहाँ पर जो बिहार के जो छात्र हैं वो काफ़ी डरे और सहमे हुए थे। बिहार सरकार ने बड़ी पहल करते हुए अपने खर्च पर सभी छात्रों को बिहार आया। हम तस्वीर दिखा रहे हैं पटना एयरपोर्ट का। जो छात्र सुबह फ्लाइट से पटना पहुँचे हैं, पटना एयरपोर्ट की तरफ से जो भी अधिकारी हैं उनको गुलाब का फूल देकर उन्हें स्वागत कर रहे हैं। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि बच्चे जब अपने धरती पर पहुँचे हैं, पटना पहुँचे हैं, तो कितना खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मणिपुर में हिंसा भड़की थी और उस हिंसा को लेकर ये सभी बच्चे भयभीत थे, क्योंकि लगातार वहाँ पर बमबारी हो रही थी, आगजनी हो रही थी, गोलीबारी हो रही थी, तो यानी तमाम तरह की जो वहाँ परेशानी थी उस परेशानी को दूर करते हुए सभी जो छात्र हैं वो पटना पहुँचे हैं। सीधे तौर पर छात्रों से बात करेंगे। कहाँ आपका घर पड़ेगा भाई? मेरा घर पड़ की बात कीजिए। मेरा घर पड़ा है लालबाग की तरफ, पटना यूनिवर्सिटी। हम लोग मणिपुर में फंसे थे, लेकिन बिहार गवर्नमेंट की तरफ से बहुत फ़ायदा मिला कि हम लोग यहाँ पर आराम के साथ यहाँ पर पहुँच सके। अच्छा, वहाँ पर जो घटना घटी थी वो घटना को आपने महसूस किया था, देखा भी था? वहाँ पर चूँकि कर्फ्यू लग चुका था तो हम लोग अपने हॉस्टल में लॉकडाउन में अपने हॉस्टल में लग रहा था। हाँ, लेकिन हर दिन डर बढ़ते चला जा रहा था, लेकिन बिहार गवर्नमेंट की तरफ से मदद आने की वजह से हम यहाँ पर आ सके, तो बहुत इसके लिए खुशी है। खाने पीने की व्यवस्था वहाँ पर हो रही थी? वो हमारे इंस्टीट्यूट वो प्रोवाइड कर रहे थे हमारे इंस्टीट्यूट। और छात्रों से हम बात करेंगे कि जिस तरह से कहाँ से हो बिहार से? मैं भागलपुर से। अच्छा, भागलपुर से आप पटना पहुँचे हो तो कैसा लग रहा है? सर, बहुत हैप्पी महसूस कर रहा सर, अपने फैमिली से मिलना चाहता सर और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं सरकार को, बिहार के सरकार को, जो मुझे इस फैमिली से मिलाने के लिए अपना कोशिश जारी की है। अच्छा, ये बताइए जो आप मणिपुर में थे जिस तरह से घटना घटी कैसा लग रहा था? सर, मतलब बहुत भयावह माहौल लग रहा था, वो डर लग रहा था कभी भी कैंपस में आ सकते हैं, क्योंकि अदर मतलब इस जगह पे लग रहा था कैंपस में आके घुस के मतलब अदर कास्ट के लोग मारपीट कर रहे हैं, तो हम लोग को ऐसे आर्मी कैंप में थे तो कोई दिक्कत नहीं थी सर। खाने पीने की कोई व्यवस्था? खाने पीने के हम लोग को दो टाइम मिलती थी, पानी मिलती थी, लेकिन सर बाद में सर स्थिति बिगड़ गई थी। डेली के डेली रोटी तो चावल दाल सब्जी मतलब खाने में दो टाइम खाना। बिहार से कहाँ से हो? मुजफ्फरपुर। अच्छा, मुजफ्फरपुर से। भागलपुर में जो घटना हुआ, मणिपुर में जो घटना घटी थी उसको लेकर आप क्या कहिएगा? मणिपुर में जो घटना घटी वो बहुत दुखद था, दो समुदाय आपस में लड़ रहे थे, जान के हमें काफ़ी दुख हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि अब सिचुएशन धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है, सेना ने कंट्रोल लिया है और हम उम्मीद करते हैं कि सिचुएशन जो है काफ़ी जल्दी सुधर जाए। हमें कॉलेज प्रशासन देखिए, हमारे इधर तो नॉर्मल था, बट टाउन में दहशत का माहौल था। ठीक है, अभी नॉर्मल कंडीशन है। वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर गवर्नमेंट फॉर हेल्पिंग अस, फॉर टेकिंग। परेशानी जैसे वो लोग आग लगा रहे थे। ठीक था, थोड़ा डरावना था, डर लग रहा था वहाँ पे। हाँ, अब बिहार आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पानी की क्या स्थिति थी वहाँ पे? सही था खाने की स्थिति। बिहार सरकार ने आप लोगों को यहाँ बुलाया है, क्या कहेंगे? धन्यवाद कहेंगे उनको। अभी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हाँ। नाम क्या आपका? सोनम। मेरी बहन है। हाँ। क्या जानकारी मिली कि वहाँ दो गुटों के बीच में वो झगड़ा हो चुका था, काफ़ी ज़्यादा दंगा फसाद बढ़ गया, वहाँ गोलीबारी बमबारी सारे कुछ हो रहे हैं, सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई है बच्चों के लिए। जिस कॉलेज में मेरी बहन पढ़ती है, जिस यूनिवर्सिटी में, उसी के पीछे ये सारे दंगे फसाद हो रहे थे। मणिपुर इम्फाल एग्रीकल्चर, BSc एग्रीकल्चर कर रही है, फर्स्ट ईयर। बातचीत हुई है जी? वो यहाँ 6 महीने से है। सरकार अपने खर्चे पे बुला रही है, क्या कहेंगी गवर्नमेंट? बहुत यही कहना चाहूँगी कि सरकार का धन्यवाद कि मेरे बच्चे को वहाँ से सही सलामत वापस ले आए। क्या करते थे मणिपुर में? पढ़ता था IIT में। किसमें? IIIT में। अच्छा, क्या आप लोगों को कैसे पता चला कि आ रहे हैं? हम लोग के न्यूज मिला। अच्छा। बच्चे लोग से मैं नीतीश सरकार कल के फ्लाइट से हमको पटना पहुंचाया जाएगा। बातचीत हो रहा है। आप कहाँ पे रहती हो? बैरिया। क्या नाम हुआ आपका? पिंकी देवी। आप एक बताइए कि कुछ हालात के बारे में भी बातचीत हुई थी बीच में? हाँ जी, बच्चा लोग बहुत डरा हुआ था। अच्छा। यही बोलता था, मम्मी बहुत डरे हुए हैं, वहाँ के सिचुएशन अच्छा नहीं था। हाँ, नीतीश सरकार के हम लोग धन्यवाद कर रहे हैं जो हमको लोग के बच्चा के अच्छा से सुरक्षित
पटना पहुंचा दिए हैं बस। इस तरह से जो छात्र पटना पहुंचे हैं तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मणिपुर में जिस तरह से घटना घटी थी वहां पर आगजनी बमबारी हो रही थी, उसको लेकर जो छात्र थे वो काफ़ी भयभीत थे, लेकिन बिहार सरकार ने बड़ी पहल करते हुए सभी छात्रों को अपने खर्च पर पटना पहुँचाया और जो परिजन हैं वो भी बच्चों को लेने के लिए पटना एयरपोर्ट पहुँचे हैं, वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। सारा समय के लिए पटना से अरविंद राठौर।